14 फरवरी भले ही कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन का दिन हो, लेकिन ये दिन इतिहास में जम्मू कश्मीर की सबसे दुखद घटना की याद भी दिलाता है। साल 2019 में 14 फरवरी के दिन ही आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। पुलवामा आतंकी हमले को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी हरे हैं। लोग शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे, ना ही दोषियों को कभी माफ करेंगे। आज जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था कि तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी जवानों के काफिले से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयावह था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शरीर के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुटे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और घायल जाबाजों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। जवानों का काफिला जम्मू स्थित चेनानी रामा ट्रांसिट कैंप से श्रीनगर के लिए निकला था। तड़के चले जवानों को सूरज डूबने से पहले श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम स्थित ट्रांसिट कैंप में पहुंचना था। ये सफर करीब 320 किलोमीटर लंबा था और सुबह 3:30 बजे से जवान सफर कर रहे थे। 78 बसों में 2500 जवानों को लेकर काफिला जम्मू से रवाना हुआ था, लेकिन पुलवामा में ही जैश के आतंकियों ने इन जवानों को निशाना बना लिया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। जवानों के इस काफिले में कई जवान छुट्टी पूरी करके ड्यूटी पर वापस लौटे थे। वहीं बर्फबारी की वजह से जो जवान श्रीनगर जाने वाले थे, वो भी इस काफिले की बसों में सवार थे। जैश सभी 2500 जवानों को निशाना बनाना चाहता था। हमले के बाद सीआरपीएफ अधिकारी की ओर से इस हमले के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने उस समय बताया था कि काफिले में करीब 70 बसें थी और इसमें से एक बस हमले की चपेट में आ गई। काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। चौंकाने वाली बात ये थी कि आतंकी संगठन जैश ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली थी। जैश ने मैसेज कश्मीर की न्यूज एजेंसी जीएनएस को भेजा था। पुलवामा के अवंतीपोरा से जब सीआरपीएफ जवानों को लेकर बस गुजर रही थी, ठीक उसी समय एक कार बस से जा टकराई थी। ये कार पहले से ही हाईवे पर खड़ी थी। जैसे ही बस यहाँ पर पहुंची, जोरदार धमाका हुआ। जिस जगह पर हमला हुआ था, वहां से श्रीनगर की दूरी बस करीब 33 किलोमीटर थी और काफिले को पहुंचने में बस घंटे का ही समय था। धमाका इतना जोरदार था कि जवानों के शरीर के चिथड़े तक उड़ गए। इस हमले को जैश की ओर से लिया गया बदला माना गया था। हमले से 2 दिन पहले पुलवामा के ही रातनीपुरा इलाके में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकी को ढेर कर दिया था। पुलवामा आतंकी हमले को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके जख्म और दर्द आज भी हरे हैं। सोशल मीडिया पर #पुलवामा अटैक और #पुलवामा ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा में शहीदों को तीसरी बरसी पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया, मैं 2019 में आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और हमारे देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करता हूं। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोग शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यूजर्स ने लिखा है
कि ये वो दिन है जिसे हम कभी भूलेंगे नहीं और ना ही दोषियों को माफ करेंगे। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज़।